नमस्कार, अच्छी ज्ञान .com के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। गर्मी के मौसम में लू लगना एक आम समस्या है। अंग्रेजी भाषा में इसे हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक भी कहते हैं। गर्मियों में तीखी धूप लगने और अत्यंत गर्म वायु के संपर्क में आने से जब किसी व्यक्ति को अनेक शारीरिक तकलीफें उत्पन्न हो जाए तो उसे लू लगना कहते हैं। इसमें व्यक्ति के शरीर का तापमान कंट्रोल सिस्टम जवाब दे देता है। तो आइए जानें लू लगने के कारण और इसके घरेलू उपचार। लू लगने का कारण, गर्मी में शरीर के द्रव सूखने लगते हैं। शरीर से पानी और नमक की कमी होने पर लू लगने का खतरा ज़्यादा रहता है। चिकित्सक शरीर के तापमान को 105 डिग्री फारेनहाइट से अधिक रहने पर और शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जटिलताओं के पेश आने पर लू लगना कहते हैं। गर्मी में ज़्यादा धूप में रहने पर, अधिक शारीरिक गतिविधियां करने पर, मोटे कपड़े पहनने पर, ज़्यादा शराब पीने पर और कम पानी पीने पर लू लगने का खतरा सबसे ज़्यादा मंडराता है। लू लगने के लक्षण। लू लगने पर शरीर में गर्मी, खुश्की, सिरदर्द, कमजोरी, शरीर टूटना, बार बार मुंह सूखना, उल्टी, चक्कर, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, दस्त और कई बार निडाल या बेहोशी जैसे लक्षण नज़र आते हैं। लू लगने पर पसीना नहीं आता है। अगर किसी को लू लग जाए तो सबसे पहले ये घरेलू उपचार करें। गर्मी के दिनों में अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए और खाली पेट घर से नहीं निकलना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति को पहले छांव में लाकर हवा का इंतजाम करें। गर्मी के कारण शरीर का तापमान बढ़ जाता है। छाया मिलाने से शरीर का तापमान सामान्य आना शुरू हो जाता है। उसको नमक, शक्कर और पानी का घोल मुंह में पिलाएं। उसके कपड़े निकालकर सिर्फ अंदरूनी वस्त्र रखें। शरीर पर हल्का सा गर्म पानी छिड़के। गीली चादर में लपेटकर तापमान कम करने का प्रयास करें। हाथ पैर की मालिश करें जिससे रक्त संचरण प्रभावित होता है। संभव हो तो बर्फ के टुकड़े कपड़े में लपेटकर गर्दन, बगलों और जांघों पर रखें। इससे गर्मी जल्दी ही निकलती है। लू लगने पर घरेलू आयुर्वेदिक इलाज। नंबर एक, भुने या उबले हुए आंवले का पानी पीने से लू के प्रकोप से बचा जा सकता है। नंबर दो, तुलसी के पत्तों का रस शक्कर में मिलाकर पीने से लू नहीं लगती। नंबर तीन, हर रोज 2-3 बार प्याज खाने से लू प्यास भी नहीं फटक सकती। नंबर चार, लू लग जाने पर इमली को उबालकर छानकर एक कप शरबत की तरह सेवन करें। इमली को उबालकर उस पानी में तौलिया भिगोकर उसके छींटे रोगी पर मारने से भी लू का प्रकोप शांत हो जाता है। नंबर पाँच, गर्मियों में अक्सर लू लग जाती है। लू से बचने के लिए प्याज को अपनी जेब में रखकर बाहर निकलिए, लू नहीं लगेगी। नंबर छः, लू लगने पर प्याज के रस से कनपटियों और छाती पर मालिश करें। 24 घंटे में लू का विकार शांत हो जाएगा। नंबर सात, आलू बुखारे को गर्म पानी में डालकर रखें और फिर उसी पानी में मसल लें। इसे पिलाने से लू लगने पर होने वाली बेचैनी और घबराहट दूर होती है। नंबर आठ, इमली के गूदे को हाथ और पैर के तलवों पर मलने से लू का प्रभाव खत्म हो जाता है। नंबर नौ, नारियल के दूध के साथ काले जीरे को पीसकर शरीर पर मलने से लू लगने पर जलन कम होती है। नंबर दस, लू लगने पर तुलसी को पीसकर उसका रस निकालकर उसमें चीनी को मिलाकर पीने से लू से आराम हो जाता है। तो दोस्तों, ये रहे लू लगने पर घरेलू उपचार। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अच्छी ज्ञान .com के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में करें। धन्यवाद।